पिछले वर्ष देश भर में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। इसी कड़ी में यात्रा का एक वर्ष पूर्ण होने पर खरगोन जिले की कांग्रेस के नेताओं ने भव्य पद यात्रा निकाली और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया। खरगोन जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता पहुंचे और सम्मेलन में भाग लिया। दरअसल बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके खरगोन विधायक रवि जोशी ने भाजपा पर जमकर तीखे प्रहार किए। जोशी की माने तो भाजपा सरकार ने अब तक लोगों को बरगलाने का काम किया है और पद यात्रा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से वह लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। यात्रा गजानन प्रतिमा से शुरू हुई जो श्री कृष्ण तिराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा, राधा वल्लभ मार्केट होते हुए गोरीधाम पहुंची। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता पद यात्रा में चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए हमारे महान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने निकाली थी भारत जोड़ने के लिए। भारत में नफरत, एक दूसरे को भाई से को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और कुछ ताकतें इस देश में कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से राहुल गांधी जी ने जब पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था, अपार जन समूह दक्षिण से लेके कश्मीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लाखों लोग प्रतिदिन सड़कों पे थे। देश का पूरा बुद्धिजीवी, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तमाम पूरा देश का क्रीम राहुल जी के साथ सड़कों पे चल रहा था। उसकी आज एक वर्ष पूर्ण हुआ। उसी अवसर पर हमने जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे यह भारत जोड़ो यात्रा का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमने खरगोन में आयोजन किया है। आज कृष्ण जन्मोत्सव होने के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी होने के बाद, सबसे बड़ा त्यौहार होने के बावजूद आज हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे नेता, निमाड़ के बड़े नेता, प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, केदार डाबर जी, डॉक्टर सोलंकी जी, नरेन भाई पटेल, डॉक्टर मुजालदे जी, तमाम जिले भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैडम साधो के यहाँ से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि, तमाम लोग इस जगह मौजूद हुए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान लेके हम लोगों के बीच, जनता के बीच जा रहे हैं। विशेषकर खरगोन का जो माहौल पिछले 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ लोगों ने बिगाड़ा था, उस माहौल को सुधारने में समय लगा। अब माहौल उस तरीके से बहुत अच्छे वातावरण में खरगोन शहर है। अमन चैन शांति के लिए हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। यात्रा गजानन प्रतिमा से गांधी प्रतिमा जाएगी, गांधी जी को माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पे इस यात्रा का समापन होगा और वहाँ पे उसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया है जो हमारे नेता लोग वहाँ संबोधित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।